सुप्रभात परम सम्माननीय निर्णायक गण, सम्माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्र, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता में दिए गए विषय क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों के विकास के लिए सहायक है के विपक्ष में अपने विचार रखने आया हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे उस शिक्षा प्रणाली का जिसने मुझे या फिर मुझे ऐसे ऐसे लाखों बच्चों को रोबोट बना दिया। एक ऐसा रोबोट जो कि अंक के पीछे भागता रहता है, एक ऐसा रोबोट जिसमें कि इनोवेशन नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है, एक ऐसा रोबोट जिसकी काल्पनिक शक्ति एक सीमा पकड़ चुकी है और न जाने का। अब आता है मुद्दे पर। मैं ये स्पष्ट ही कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली उतनी उपयुक्त नहीं है कि वो भारत देश के साथ साथ हम छात्रों का भी विकास कर पाए। बगैर कि हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ही सही शिक्षा प्रणाली थी। मैं कुछ बिंदुओं के रूप में ये बताना चाहूंगा कि आखिर कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी सहायक नहीं है। पहला, पुरानी शिक्षा प्रणाली। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्हें बहुत सारे कारीगरों की जरूरत थी और इसलिए वे अपने साथ वहां की शिक्षा प्रणाली भी लाए थे और उन्होंने भारत में यह शिक्षा प्रणाली शुरू की थी। लेकिन गौरतलब बात तो यह है कि उनके आने के बाद इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, पर फिर भी हम वही प्रणाली अपना रहे हैं और शायद इसी के कारणवश हमारे जो भी विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में 40 से 50 वर्ष का पुराना घिसा पिटा सिलेबस पढ़ा रहे हैं और शायद इसी के कारणवश भारत या फिर यूं कहें कि भारत के युवा इतने पीछे रह रहे हैं और शायद इसी के कारणवश भारत का इनोवेटिव इंडेक्स में 138 अंक आता है 196 कंट्रीज में। ये कितनी हैरानी की बात है ना कि जिस देश की इतनी सारी जनसंख्या हो, जहां पर बच्चे 99% लाते हो, वहां पर कुछ इनोवेशन ही नहीं होता। मेरा दूसरा बिंदु है कि पौराणिक शिक्षा प्रथाओं का उपयोग में ना होना। भारतवर्ष ने ये सोच चुका है या फिर यूं कहें कि भारतवर्ष की ये विचारधारा बन चुकी है कि अंग्रेजी सही है और अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई संस्कृति है वो एकदम सही है और शायद इसी के कारणवश भारत ने या फिर भारत के युवाओं ने या फिर यूं कहें कि भारत की सरकार ने जो भी हमारे पौराणिक विचार थे जो कि शिक्षा के प्रति थे उन सबको एकदम से ठुकरा दिया है। फिर चाहे वो गुरुकुल का हो या फिर प्रकृति के साथ पढ़ना हो या फिर वैदिक गणित जैसे बहुत सारे बहुमूल्य विषय हो, भारत में इन सबसे जुड़े हुए कुछ भी नहीं होता। अब मैं कुछ आंकड़ों को मदद लेना चाहूंगा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। एसोचैम के मुताबिक भारत में 90% ग्रेजुएट, 70% बीटेक और 80% मैनेजमेंट कोटा के साथ छात्र स्किल्ड नहीं है। अब भले स्किल क्या, छात्रों ने डिग्री तो ले ली है लेकिन उसे कैसे उपयोग में लाया जाए वो सब उन्हें कुछ पता ही नहीं है। भारत में और इसका हाल यह रहा है कि भारत में करीबन सिर्फ और सिर्फ 3.5% छात्र ही स्किल्ड हैं। तो फिर भारत कैसा आगे बढ़ेगा? अगर यही रेशियो बनता रहा तो भारत कैसा आगे बढ़ेगा? मैं अपने विपक्षी मित्रों से कुछ सवाल पूछकर यहाँ से अलविदा लेना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है कि अगर भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी उपयुक्त है तो फिर हर 55 मिनट में एक और पिछले 3 साल में 26,000 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया? अगर भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी उपयुक्त है तो फिर भारत आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक को क्यों नहीं ला पाया विश्व में? अगर भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी उपयुक्त है तो फिर भारत इतना पीछे हर चीज में क्यों रह रहा है और अभी हम डेवलपिंग कंट्री क्यों है? अगर हम गुरुकुल को अपनाते तो फिर मेरा ये दावा है कि अभी हम डेवलप्ड कंट्री होते ना कि डेवलपिंग कंट्री। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि नेपोलियन ने कहा था कि जो भी पद्धति आपको पसंद ना आए उसे बदल दो और शायद आप में से कोई होगा जो इस पद्धति को बदलेगा। धन्यवाद। माइक दीजिए। नहीं, सिर्फ मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बालाजी सर ने जब मुझे प्रश्न कर रहे थे तब सर ने बताया था कि हमारे जो भारत देश के जो विद्यार्थी है वो बाहर जा रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे, तो ये जो आपने कहा कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो यहाँ की जो हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है वो बाहर की शिक्षा प्रणाली है,
तो सर ने तो कहा कि बाहर की शिक्षा प्रणाली अच्छी है इसीलिए छात्र वहां जा रहे, और आपने ऐसा कहा कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेजों की देन है और जो टीचर्स होते हैं वो घिसा पिटा जो भी सिलेबस है वो हमें पढ़ा रहे। तो अगर एक तौर पे अगर आप सर ने कहा सर ने कहा कि वो बाहर का एजुकेशन इतना सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो बाहर की जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में आई है वो एक घिसी पिटी और नाकामयाब शिक्षा प्रणाली है? अंग्रेजों ने अपने साथ ही शिक्षा प्रणाली लाई थी और भारत में कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है जैसा कि अंग्रेज में हुआ है। वहां पर बहुत मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, वहां पर साल दर साल के बाद मॉडिफिकेशन आया जा रहा है, लेकिन भारत में वही चलाया जा रहा है। और अभी इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भारत की शिक्षा प्रथा ने यह सोचा कि सिलेबस आधा कर दिया गया। अगर यही पहले हो गया होगा, अगर वैदिक गणित आ गया होगा, वैदिक गणित बहुत ही रुचि वाला सब्जेक्ट है, अगर आप उसे पढ़ेंगे आपको भी मजा आएगा। और आपने कहा कि सिलेबस आधा कर देना चाहिए, तो अगर आधा कर देना चाहिए तो जो अनुभव जिसको किसी भी तरह का अनुभव नहीं है, आधे सिलेबस का ही अनुभव है, पूरे सिलेबस का अनुभव नहीं है, तो क्या वह जो प्रतिष्ठित पद है उसको ग्रहण करने में समर्थता होगी उसकी क्या? अभी पूरा सिलेबस है और अभी आप देखेंगे तो भारत यही मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा प्रणाली जो आज की है वो पूरा सिलेबस है, क्योंकि उसमें जो अनुभव है वो सक्षम है उनके, और इसी वजह से वो देश के विकास के लिए मुझे जवाब तो देने दीजिए, मुझे जवाब तो देने। मैंने आपको क्या कहा, आपके पास मुझे अभी हक है कि आपके विचार को मैं काट सकती हूँ, समझ रहे हैं? जवाब देने दीजिए तब आप काटिएगा। आपने कहा कि आधा सिलेबस क्या तय कर देता है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो सही है? जवाब दे रहा हूँ मैं, क्या किसी और प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ? आप बोलो। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं भारत में कि पूरा सिलेबस है और भारत के छात्रों को इनोवेशन के प्रति लाया नहीं जा रहा है, इसी कारण भारत बहुत जगह पर पीछे है। और अगर वहीं पर आधा सिलेबस आ जाएगा तो भारत के छात्र इनोवेट कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे? आखिर आप भी बताइए, a+b² = a²+2ab+b² ये फॉर्मूला जिंदगी में काम करता है? एक इंसान को समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्ति के लिए वो मैं कह सकती हूँ कि वो 100% जो उसको 100% का उपयोगी है, क्योंकि अगर आपने कहा कि जो सुसाइड करते हैं और वगैरह वगैरह, तो उनकी कमजोरी है, दिमाग की कमजोरी, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो जो अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसको अच्छे से वो समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी शिक्षा प्रणाली वो खराब है। आपने ड्रॉप आउट का नाम सुना है? कितने सारे छात्र हर साल ड्रॉप आउट करते हैं और फिर वो जाके कुछ इनोवेटिव कर जाते हैं। मार्क्स जगरवाल का नाम सुना है? जॉब बेजस का नाम सुना है? ये सारे ड्रॉप आउट है। आपका इंटरनेट क्या कह रहे हैं? ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं होता कि आज की शिक्षा प्रणाली है वो सही नहीं है। ड्रॉप करने का बिल्कुल मतलब होता है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सही नहीं है। आईआईटी में कोई छात्र ड्रॉप क्यों करेगा? ड्रॉपआउट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनको शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं आई इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, उसपे कुछ आर्थिक उसपे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आते हैं। अब मार्क्स जुकरबर्ग तो गरीब नहीं थे, बचपन से मिडिल फैमिली थे, फिर उन्होंने ड्रॉप आउट किया। और हाँ, धन्यवाद। काफी जबरदस्त डिबेट यहाँ पर चल। हमारे अगले प्रतिभागी है जयश्री।